हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओमजी यादव। अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट मीडिया नेटवर्क। आज एक बहुत ही शानदार जानकारी लेकर आ चुका हूं। आप लोग को मालूम था कि मिशन चंद्रयान 2 जो कल रात 1:40 में चंद्रमा के सतह में लैंड होने वाला था, वो सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ। केवल 2.1 किलोमीटर की सतह से दूर पे वो वैज्ञानिक के संपर्क से छूट गया। दोस्तों, इसमें कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जुलाई 22 को जो चंद्रयान भारत ने छोड़ा था, वो 23 दिन पृथ्वी को चक्र लगाने के बाद 7 दिन चंद्रमा का चक्र लगाकर शुक्रवार 1:40 में पृथ्वी का के चंद्रमा के सतह पर उत्तरी ध्रुव में लैंड होने वाला था। दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव ऐसा ध्रुव है जहाँ 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन होता है। वहाँ अभी की स्थिति में यूं ही यूं है, ठंडी ठंड है। उस जगह पर ये लैंड होने वाला था दोस्तों, और ये इतिहास में एक नया आयाम देने वाला था। दोस्तों, अभी तक का जितना भी चंद्रयान जो चंद्रमा के सतह में लैंड हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव में लैंड हुआ था, लेकिन ये जो चंद्रयान था उत्तरी ध्रुव में लैंड होने वाला था। और भारत ही नहीं, दुनिया की हर देश के संसार के लिए एक नया आयाम देने वाला था। दोस्तों, इस यान का मिशन था वहाँ पे पानी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सबसे बड़ा तो वो ऊर्जा का तत्व हीलियम 3 जो तत्व है उसको पता लगाकर इतिहास में संसार की एकदम ऊर्जा शक्ति बढ़ाने की खोज के जो भारत का ये कदम था वो सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी से बूझे तो संपर्क विहीन हो गया। दोस्तों, ये भारत की वैज्ञानिक के लिए बहुत ही कठिनाई और दुखद घड़ी है, लेकिन फिर भी भारत की वैज्ञानिक जो लोग जो है वो अपना हौसला कम नहीं किया है, और भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन लोग का हौसला बढ़ाते हुए बोले हैं कि आप लोग का इतना जो काम है वो कम नहीं है, अगला हमारा मिशन भी होगा और ये पूर्ण सक्सेस होगा। ये आप लोग का उपलब्धि, बड़ा उपलब्धि है। हम आप लोग के आभारी हैं और आप लोग जितना भी काम किए वो एकदम सराहनीय है। दोस्तों, तो इस मिशन भारत का 2.1 किलोमीटर की दूरी से संपर्क विहीन हो गया है। दोस्तों, ये जो 22 जुलाई को चंद्रयान छूटा था वो 23 दिन पृथ्वी को चक्र लगाने के बाद 7 दिन चंद्रमा का चक्र लगाया और शुक्रवार 1:40 में चंद्रमा के सतह में लैंड होने वाला था, सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान संपर्क से विहीन हो गया है। दोस्तों, जानकारी करा दूं कि ये लैंड हुआ है लेकिन संपर्क से बाहर है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहाँ की जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ उस कारण से भी हो सकता है कि जो यान के ऊपर यू पड़ गया होगा, धूल, क्या बोलते हैं, धूरा धूल धूल पड़ गया होगा जिसके कारण से संपर्क नहीं हो पाएगा, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। तो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वहाँ का वैज्ञानिक कि किसी भी क्षण किसी भी पल संपर्क हो जाए जिससे बहुत ही बड़ा उपलब्धि प्राप्त होगा। दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा न लगे तो वीडियो को डिसलाइक भी करना मत भूलिए। दोस्तों, मैं आपका लाइक और डिसलाइक को बहुत ही बड़ा देता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद दूंगा।